नमस्कार, बहुत स्वागत। और खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गरियाबंद की। गरियाबंद में राजिम कुंभ कल्प का आगाज हो गया है। त्रिवेणी संगम पर महानदी की भव्य आरती हुई है। मुख्य अतिथि के रूप में अमरकंटक के आचार्य महामंडलेश्वर अग्नि पीठाधीश्वर रामाकृष्णानंद महाराज मौजूद रहे। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, टंकराम वर्मा, विधायक अजय चंद्राकर, रोहित साहू भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साध्वी प्रज्ञा भारती विशेष रूप से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। आपको बता दें कि राजिम कुंभ 8 मार्च तक चलेगा। की पूजा अर्चना के साथ ही आज भव्य राजिम कुंभ कल्प का आगाज हो चुका है। और देखिए कि महामंडलेश्वर रामकृष्णानंद जी महाराज की उपस्थिति हुई है और यहाँ ब्राह्मणों के वैदिक मंचोपचार के साथ और साधु संतों के चरण पादुका पूजन के बाद ये मेला का शुभारंभ हुआ है। इस मेले की भव्यता आप देखिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, सांसद, विधायक, मंत्री यहाँ पर मौजूद है और आज साक्षी बना है राजिम। और राजिम में पहुंचे हजारों लोग, यहाँ पर उपस्थित तमाम हजारों लोग आज साक्षी बने हैं। और ये देखिए कि महामंडलेश्वर के चरण पादुका पूजन किया जा रहा है और तमाम लोग जो साधु संत पहुंचे हैं उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और मेले में आप देखिए कि कुंभ में साक्षी बनने कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इसकी भव्यता आप देखिए। और ये शानदार आगाज जो हो चुका है 8 मार्च महाशिवरात्रि तक जो है इस भव्य कुंभ का आगाज तक रहेगा। और ये हम तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह इस भव्य मंच पे आज जो है राजिम कुंभ कल्प का आगाज हो गया है। न्यूज 18 के लिए राजिम कुंभ से शेख इमरान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरे के दौरान अमित शाह ग्वालियर चंबल संभाग के क्लस्टर प्रभारियों के संग चुनावी मंथन करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के संग्राम की शुरुआत हो चुकी है, जिसे धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 163 सीटें जीतने के बाद अब बीजेपी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीतने की रणनीति बना रही है। इसी रणनीति के तहत अमित शाह का ध्यान इस बार ग्वालियर चंबल पर है। रविवार को ग्वालियर पहुंच रहे अमित शाह यहां क्लस्टर की मीटिंग लेंगे। मैं आपको याद दे रहा हूं, पिछली बार भी जब विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह जी आए थे ग्वालियर और उन्होंने 150 पार का टारगेट दिया था मध्य प्रदेश के लिए और वो टारगेट पूरा हुआ। फिर एक बार अमित शाह जी आ रहे हैं, वो पूरा जायजा कर लेंगे। एक नई प्रेरणा के साथ हम सब लोग दोबारा काम में जुटेंगे और जो टारगेट मध्य प्रदेश के लिए है 29 की 29 सीटें हमको जीतने। अब आइए जानते हैं कि आखिर चुनावी रणनीति के लिहाज से ग्वालियर चंबल संभाग बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों है। ग्वालियर चंबल संभाग में 4 लोकसभा सीट है, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना लोकसभा सीट। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 सीटें जीती, कांग्रेस ने संभाग की 15 सीटों पर जीत दर्ज की। चारों लोकसभा क्लस्टर की बैठक लेंगे शाह। संभाग के 400 से अधिक नेता शामिल होंगे। अमित शाह चुनावी रणनीति बनाने के लिए मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी भी अपनी यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश आने वाले हैं। कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी की यात्रा की खबर का असर है जो बीजेपी को इतनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ग्वालियर को भारतीय जनता पार्टी के नेता चरागाह समझते हैं, लेकिन ग्वालियर की जनता जागरूक है। अमित शाह जी आए चाहे मोदी जी आए, लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब देगी इस बार लोकसभा चुनाव में जनता। इसी तरह से मिशन 2024 के शुरू होने वाले महासंग्राम के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां मैदान मारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बावजूद ग्वालियर चंबल में कांग्रेस ने 15 सीटें जीती। यही वजह है कि बीजेपी के चाणक्य इस क्षेत्र पर खास ध्यान दे रहे हैं। सुशील कौशिक, न्यूज 18, ग्वालियर। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर राजनीति तेज है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अमित शाह के दौरे को लेकर निशाना साधा। इस पर बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। जनता पार्टी को आप चुनाव पहले मोदी गारंटी है जो देके गए थे
इन सब का एक भी पूर्णता नहीं आई है। मध्य प्रदेश सरकार को चुनाव पहले आचार संहिता के पहले 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देके कृपा करके जो वादे आपने दिए चुनाव जीत गए सरकार बना ली वो पूर्ण करवा दें। देश के गृह मंत्री भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी का दौरा कल लोक विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार वो भोपाल मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश उनके स्वागत की तैयारियों में सभी कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ जुटे हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही सामने आई, यहां